अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आप लोगों का होस्ट अहमद बसरा और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल बसरा ग्रुप्स। दोस्तों, इससे पहले मैंने आप लोगों को बताया था किस तरह से आप लोगों ने फाइवर के ऊपर अपना अकाउंट क्रिएट करना है, किस तरह से आप लोगों ने गिग लगानी है और किस तरह से आप लोगों ने ऑर्डर लेने हैं। तो उम्मीद है कि यहाँ तक आप लोगों को समझ आ चुका होगा। आज मैं आप लोगों को बताऊँगा किस तरह से आप लोगों ने अपनी जो गिग है उसको फाइवर के फर्स्ट पेज पर आप लोगों ने उसको रैंक करवाना है। तो क्योंकि बहुत से लोग गिग बना लेते हैं, सारा कुछ कर लेते हैं, लेकिन उसके बाद उनकी गिग क्योंकि वो उसको रैंक नहीं करवा पाते, वो उनके किसी के सर्च के रिजल्ट में नहीं आती है, तो इसलिए उनको ना तो उनको व्यूअर्स मिलते हैं, ना उनको इंप्रेशन मिलते हैं, ना कोई वहाँ पे कोई यूज़र उनके गिग पे क्लिक करता है। तो दोस्तों, मैं आज आपको ये एक ट्रिक बताने वाला हूँ, तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये ट्रिक समझ आ जाएगा और इसके बाद आप लोग भी फाइवर के ऊपर अपनी गिग को रैंक करवा सकते हैं। और यकीन करें कि मैं जो आपको बता रहा हूँ ये बिल्कुल रियलिटी है और इसकी मदद से आप बहुत जल्दी आप लोग अपनी गिग को जो रैंक करवा सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, लेकिन इससे पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को प्रेस करें ताकि आपको आने वाली मज़ीद वीडियोज़ मिल सकें। तो इसी तरह हम आपके लिए बहुत सी कारामंद वीडियोस लेकर आते रहते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं, फाइवर को ओपन करते हैं। ये देखें जी, आपके सामने फाइवर का मेरा डैशबोर्ड ओपन है। ये मेरा अकाउंट जो मैंने साइन इन किया हुआ है, आपने भी अपने अकाउंट को फाइवर के अकाउंट को लॉगिन कर लेना है। यहाँ से आप लोगों ने क्या करना है, सबसे पहले आप लोगों ने अपने प्रोफाइल के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ से आप लोगों ने डैशबोर्ड के अंदर चले जाना है, ठीक है। ये मैं आज बेसिकली आप लोगों को बताऊंगा किस तरीके से आप लोगों ने अपनी गिग को जो क्या क्या आपने अपनी गिग में चेंजिंग करनी है जिसकी वजह से आप लोगों की गिग जो फर्स्ट पेज पे रैंक करेगी। यहाँ से आप लोग गिग के ऊपर क्लिक करें, ये देखें जी। अच्छा, ये देखें, यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है जो फर्स्ट के ऊपर मेरी एक गिग है, माइग्रेशन ऑफ वर्डप्रेस और ट्रांसफर वेबसाइट इन 4 आवर्स। ये मेरी गिग है, इस पर 6 क्लिक्स हैं, 90 इंप्रेशन हैं और 99 व्यूज़ हैं, ठीक है। तो इससे पहले मैं आपको बता दूं, बल्कि मैं एक मिनट, ये देखें, इस आगे जाने से पहले मैं आपको दिखा देता हूं। यहां से आप लोगों ने क्या करना है, फाइवर को ओपन करें, दोबारा से न्यू टैब में ओपन कर लेते हैं। ये देखें जी, अच्छा ये देखें आप, इसका मैं ज़रा आपको इसके बड़ा करके दिखा देता हूं। सॉरी, न्यू टैब में ये देखें, ये मेरी वो वाली गिग है। तो ये बल्कि मैं आगे जाने से पहले आपको चेक करवा दूँ ज़रा इसकी जो रैंकिंग है। यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, माइग्रेशन ऑफ वर्डप्रेस एक कीवर्ड है, हम माइग्रेशन, इस पर रिजल्ट चेक करते हैं कितने रिजल्ट हैं। ये जी क्लिक किया हमने, ये देखें। अच्छा, यहाँ पे आप देखें कितनी सर्विसेज अवेलेबल हैं इस कीवर्ड के ऊपर, एक कीवर्ड के ऊपर, ये माइग्रेशन ऑफ वर्डप्रेस के ऊपर 7431 सर्विसेज अवेलेबल हैं, ठीक है। ये मैंने आज ही इस गिग की SEO की है और अभी तक यानी जो इसने, मैं बहुत पॉजिटिव रिजल्ट ले चुका हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये देखें, नीचे जाते हैं, ये हर पेज के ऊपर जो है 48 रिजल्ट्स होते हैं, जो फर्स्ट पेज होता है उसके ऊपर 48 रिजल्ट हैं। तो यहाँ पे तो नहीं है, नेक्स्ट पे चलते हैं, क्लिक करते हैं। अच्छा, ये मैं आपको प्रूफ के लिए ये मैं दिखा रहा हूँ, ये देखें जी। अच्छा, ये देखें आप, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 24, 26, 27 और 28। इट्स मीन डैट कि मेरी जो गिग है 48 + 28, 76 नंबर पे मेरी गिग आ रही है। ये देखें जी, ये वही वाली है। यहाँ से मैं आपको फिर दिखा दूँ, ये वाली माइग्रेशन ऑफ वर्डप्रेस और ट्रांसफर वेबसाइट इन 4 आवर्स। ये इसका जो थंबनेल भी देख लें और यहाँ पे देख लें, ये देखा है अहमद बसरा, आई इस के ऊपर क्लिक करके देख लेते हैं। ये देखें, ये वही गिग है, ये वही थंबनेल है। अच्छा, ये मेरी अभी मैंने इसके ऊपर तकरीबन 1 घंटा पहले SEO की है और ये मेरा रिजल्ट है कि ये देखें, नीचे जाके मैं फिर आपको दिखा देता हूँ। ये मैंने पेज 2 ओपन किया हुआ है, यानी अभी फर्स्ट पेज पे नहीं आई है, लेकिन उम्मीद करता हूँ कि नेक्स्ट 1-2 घंटे के अंदर अंदर फर्स्ट पेज पे ये रैंक कर जाएगी। और जैसे ही ये फर्स्ट पेज पे जाएगी, मैं उस वक्त भी आपको प्रूफ के लिए एक अलग से वीडियो इसकी बना के दिखाऊंगा। तो ये सिर्फ मैं आप लोगों को बताने के लिए, मोटिवेट करने के लिए और बता रहा हूँ कि किस तरह से गिग को रैंक करवाया जाता है। तो चलिए अब मैं आपको बताता हूँ कि मैंने इसमें किया क्या है। ये मैंने ऑलरेडी गिग क्रिएट की थी, 3-4 दिन हो गए हैं। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर ये देखें जी, माइग्रेशन ऑफ वर्डप्रेस, ये सिंपली एक कीवर्ड है। मैंने इस कीवर्ड को यहाँ पे गिग के टाइटल के अंदर सिंपली ये मैंने ऐड किया हुआ है। उसके बाद यहाँ पे नीचे जाते हैं,
ये देखें जी, वर्डप्रेस माइग्रेट, वर्डप्रेस क्लोन, वर्डप्रेस कस्टमाइजेशन, वर्डप्रेस बैकअप, ये इसके जो कीवर्ड्स हैं, ठीक है। इसके बाद मैंने इसके प्राइसिंग के ऊपर चले जाएँ, यहाँ पे भी मैंने वही वर्ड यूज़ किया हुआ है, माइग्रेशन ऑफ वर्डप्रेस। यहाँ पे देखें फिर माइग्रेशन ऑफ वर्डप्रेस, ठीक है, माइग्रेशन और क्लोन एंड बैकअप, ये मैंने पैकेज के अंदर इस्तेमाल किया हुआ है। इसके बाद फिर चले जाते हैं डिस्क्रिप्शन के ऊपर, यहाँ पे देखें जी, माइग्रेशन ऑफ वर्डप्रेस और ट्रांसफ़र वेबसाइट, फिर ये देखें वर्डप्रेस माइग्रेशन, ट्रांसफ़र वर्डप्रेस, अच्छा जी इसको ज़रा बड़ा कर लेते हैं, देखें फिर मूव वर्डप्रेस, ट्रांसफ़र, ये देखें जी ट्रांसफ़र मल्टीपल वेबसाइट्स, मूव वर्डप्रेस, माइग्रेशन ऑफ वर्डप्रेस, ट्रांसफ़र वेबसाइट, ओके ये देखें जी आफ्टर माइग्रेशन, ये माइग्रेशन का कीवर्ड मैंने यूज़ किया है। यहाँ पे नीचे फिर देखें वर्डप्रेस माइग्रेशन, तो इसके बाद यहाँ पे चले जाते हैं जी नीचे एफएक्यूज में, वर्डप्रेस माइग्रेशन, यहाँ पे इसके अंदर मैंने क्वेश्चन के अंदर फिर जो इसके आंसर है माइग्रेशन ऑफ वर्डप्रेस, इसके बाद ट्रांसफ़र वेबसाइट, इसके बाद ये फिर इसके ऊपर क्लिक करते हैं, यहाँ पे देखें टाइप ऑफ वर्डप्रेस वो ऑन डिमांड, ओके इसके अंदर मैंने नहीं यूज़ किया इस एफएक्यू में, इसके अंदर देखते हैं, ये आई थिंक एक ही क्वेश्चन को दो दफ़ा लिखा गया है, चले बहरा यानी ये रिक्वायरमेंट के अंदर चले गए। यहाँ पे फिर मैंने लिखा हुआ है वर्डप्रेस माइग्रेशन ऑफ वर्डप्रेस, ट्रांसफ़र वेबसाइट, ओके वर्डप्रेस लाइक दिस, मैंने इस कीवर्ड को अगेन एंड अगेन इसके अंदर अपने गिग के अंदर स्टार्ट टाइटल से लेकर डिस्क्रिप्शन एंड एफएक्यू में और रिक्वायरमेंट में हर जगह पे मैंने इसको यूज़ किया है। और एक जो तरतीब के साथ मैंने यूज़ किया है, ये नहीं है कि आपने एक जो आप लोगों ने अपनी गिग क्रिएट करनी है उसका जो मजमून आप लोगों ने लिखना है, जो आर्टिकल लिखना है, जो डिस्क्रिप्शन लिखनी है, उसके अंदर आपने बड़े तरीके के साथ इसको बार बार रिपीटली यूज़ करना है इस वर्ड को। तो मैं आप लोगों को यकीन दिलाता हूँ कि बहुत ही जल्दी आप लोगों की एक दिन के अंदर अंदर, एक नहीं तो दो दिन के अंदर अंदर आप लोगों की गिग लाजमी फर्स्ट पेज पर रैंक कर जाएगी। तो जैसे ही मेरी ये अभी देख, मैं आपको यहाँ पर प्रूफ के तौर पर दिखाया भी है, ये देखें यहाँ पर मेरी गिग ये आ रही है यहाँ पे 76 नंबर पे, लेकिन जैसे ही ये फर्स्ट पेज पे आती है ये सेकंड पेज है, ये देखें जी आप 7431 सर्विसेज के अंदर मेरी जो गिग है वो 76 पे है, यानी 100 के अंदर अंदर मेरी जो फर्स्ट 100 गिग्स हैं उसमें 76 नंबर पे मेरी गिग आ रही है और सुबह तक ये भी रैंक कर जाएगी। तो इस तरह क्योंकि देखें जो अब 7431 गिग्स हैं, तो भैया एंड वाली जो 7000 गिग्स हैं मेरा नहीं ख्याल है कोई 100 गिग्स के ऊपर जाएगा, जो फर्स्ट 100 गिग्स होंगी इनके अंदर ही किसी को, जो फर्स्ट दो पेजेस हैं इनके अंदर ही किसी को जो ऑर्डर मिलेगा, अदरवाइज मेरा नहीं ख्याल है कि जो आखिर तक जाके कोई इतना डीपली जाके कोई सर्च करेगा या कोई वहाँ पे जाके ऑर्डर करेगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपको समझ आ गई होगी किस तरह से आप लोगों ने अपनी गिग को क्रिएट करना है और किस तरह से इसको रैंक करवाना है। तो इस तरह आप बहुत ही आसानी के साथ आप थोड़ा सी मेहनत करें, थोड़ा इस पर फोकस करें, तो आप लोग अपनी गिग को रैंक करवा सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।